हेलो 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 हेलो, तो कैसे हो भाई लोग। हम हैं उदयपुर की आन बान शान और उदयपुर का दिल फतेह सागर, और मेरे साथ है लोकेश और सुरेंद्र, मतलब पाजी और लोकी। तो नवरात्रि आ गई है, तो विशिंग यू हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवरात्रि के लिए स्पेशल वीडियो आज आपके लिए है, और स्पेशल क्या है आप सामने देख सकते हो फतेह सागर के ऊपर की तरफ, वहाँ पर आप देखिए नीमच माता। तो दोस्तों आज आपको नीमच माता के दर्शन कराने वाले हैं नवरात्रि के पावन अवसर पर, और साथ में लोकी और पाजी दोनों साथ में चलने वाले हैं, ऊपर दर्शन करेंगे और दर्शन का मजा लीजिए आप, और वीडियो आगे देखिए। बंकू भैया कभी न हारे, बंकू भैया कर देते हैं फारे न्यारे, बंकू भैया। मेन रास्ते पे हम आ चुके हैं, पहले पाल पे थे, अब मेन रास्ते पे आ चुके हैं, और मेन रास्ते से ही आप देखो डेकोरेशन कितना अच्छा किया हुआ है। ये सूरी और लोकी दोनों सामने खड़े हुए हैं, और ये यहाँ से ही रास्ता चालू हो जाता है। देखिए कितना मेन डेकोरेशन किया हुआ है, यहाँ से पूरा डेकोरेट किया हुआ है, और हम आए रात को इसी वजह से कि अच्छा डेकोरेशन देखने को मिले। तो रास्ते से गेट तक आने पर आपको प्रसाद वाले माला वाले मिलेंगे काफ़ी सारे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे माला वाले मिलेंगे। एक्चुअली मैं माला और प्रसाद नहीं खरीदता हूँ, मेरा मानना है कि हाँ यार आप किसी जानवर को खिला दें उसकी जगह अगर कुछ भी आप किसी और को दे दें, पर ऐसा नहीं है, सबका ऐसा सोचना नहीं हो सकता, आपकी मर्जी, आप भले खरीदें ना खरीदें। तो पूरे रास्ते में जितना भी पूरा रास्ता है, यहाँ से 850 मीटर आगे है, और जितना भी रास्ता है पूरे रास्ते में लाइटें लगी हुई है, और आगे ड्रोन व्यू लेने की कोशिश करेंगे तो पूरा रास्ता चमकता हुआ दिखेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, और दर्शन कराते जल्दी से आपको। हालांकि यहाँ पर दो रास्ते हैं, हम दो रास्तों से जा सकते हैं, एक सीढ़ी भी है और एक सिंपल रास्ता भी है, पर सीढ़ी वाले रास्ते पे अभी रात को लाइटें वगैरह नहीं लगी हुई है, तो उधर से हम नहीं जा रहे हैं, और ये सिंपल रास्ता वैसे भी सही रहता है, सीढ़ियों पर ज़्यादा थकान होती है पर सिंपल रास्ते पे इतनी थकान नहीं होती, और वहाँ पर लाइटें भी नहीं लगी हुई है, तो अभी वहाँ पर जाना सेफ भी नहीं है। सो फाइनली मंदिर में पहुंच चुके हैं, सीढ़ियां आ चुकी है। शेरावाली अम्बे माँ, माता रानी माता जगदम्बे माँ, शेरावाली अम्बे माँ, माता रानी माता जगदम्बे माँ, मैया आया शरण में मैं तेरी, मांगू क्या मैं नहीं जानता, तू है दुखड़े सभी के मिटाती है पता। सो फाइनली माता जी के दर्शन करने के बाद आपको उदयपुर सिटी का व्यू दिखाता हूँ, रात को कैसी लगती है। शायद पूरा अच्छा नहीं आएगा, अंधेरा है तो उसकी वजह से अच्छा नहीं आए, पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। वो देखिए ये नीचे फतेह सागर का रानी रोड वाला रास्ता, ये पूरा फतेह सागर, और पूरी सिटी पूरी तरह से चमक रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कि ज़मीन पे तारे हो जैसे।
तो दोस्तों माता जी के दर्शन करने के बाद कुछ फ्रेंड मिले हैं, तो जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये सब मेरे दोस्त है, ग्राउंड के दोस्त है, बचपन के दोस्त है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट। तो दोस्तों ये था नीमच माता का स्पेशल नवरात्रि का वीडियो। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काफी कम दी है मैंने, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, शायद ईटीवी राजस्थान का वीडियो है वो, उस पर आपको नीमच माता के बारे में पूरा लिंक मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लोगी क्या करना है, लाइक क्या करना है और कमेंट करना है। और अगर आप वीडियो पे नए हैं, आप पहली बार आए चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बाय।